देखा है कि कोई भी चीज हायर टाइम फ्रेम में ज्यादा अच्छा काम करती है, लेकिन 61.8 का एग्जैक्ट मूविंग एवरेज तो नहीं बनेगा। तो आइदर आई कैन यूज 61 और 62, मतलब प्राइस ईएमए के ऊपर जाता है, तो साथ में मुझे आरएसआई 70 के ऊपर चाहिए, और अगर ये नीचे रहता है तो आरएसआई 30 के नीचे चाहिए। फ्रेंड्स, फिबोनाची पार्ट टू। कुछ लोग जानते होंगे कि मैं फिब रेशियो को मूविंग एवरेज के लिए भी यूज़ करती हूँ। बहुत लोग फिब नंबर्स पे यूज़ करते हैं, जैसे 5, 8, 13, 21, वैसे मैं रेशियो के हिसाब से यूज़ करती हूँ। और जो गोल्डन रेशियो है वो है 61.8, जो मैंने अभी पार्ट वन में बताया था कि ये गोल्डन रेशियो है। लेकिन 61.8 का एग्जैक्ट मूविंग एवरेज तो नहीं बनेगा, तो आइदर आई कैन यूज 61 और 62, कोई ख़ास फर्क नहीं है। 61 और 62 कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो, मैं 61 यूज़ करती हूँ। अगर हम दोनों को देखेंगे भी तो हमें कोई डिफरेंस नहीं नज़र आएगी। तो लेट अस सी, ये इंडिकेटर है ईएमए मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, यहाँ पर आ गया। अब मैं यहाँ से सेटिंग्स चेंज करूँगी, इनपुट्स। अभी देखिए 61.8 तो मैं नहीं डाल सकती, तो सीधा 618 हो जाता है, इसलिए मैं 61 ही यूज़ करते आई हूँ और काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, ये कोई आज नहीं है। एक बात और बता दूँ, इसमें थोड़े विप्सॉज आते हैं जो आप बाय प्रैक्टिस बाद में कर लोगे, लेकिन स्टॉप लॉसेस के बिना ट्रेड कभी नहीं करना चाहिए। अगर सिस्टम बताता है स्टॉप लॉस तो स्टॉप लॉस, हिट ख़त्म। भले ही हम सेकेंड ट्रेड ले लेंगे या दूसरे दिन ट्रेड नहीं लेंगे जब हमें कंफर्ट लेवल लगेगा, बट एक या दो स्टॉप लॉस हिट हो गया तो ट्रेड बंद कर दीजिए, पर्टिकुलरली उस पर्टिकुलर टाइम के लिए। और इसका स्टाइल में हम इसे थिक करेंगे थोड़ा सा, मैं हमेशा इसे को थोड़ा थिक का इसलिए रखना चाहती हूँ कि ये लाइन जो है उभर के आती है एंड आई कैन सी इट वेरी क्लियरली। अगर आप नोटिस करोगे तो मैंने टाइम फ्रेम कौन सा लिया है, यहाँ पे 1 आवर लिखा है, यहाँ पे भी 1 आवर लिखा है, 1 H यानी 1 आवर। तो मतलब कॉम्बिनेशन क्या हुआ, अवरली में ईएमए, व्हेन आई से 61 मीन्स 61 आवर्स के हिसाब से। जनरली मैंने ये देखा है कि जब भी प्राइस 61 के ऊपर रहता है तो कभी कभी तो लंबी रैली देता है, छोटी मोटी तो देते ही रहता है, और जब इसके नीचे आता है तब भी ट्रेडिंग के हिसाब से। आज अगर मैं बैंक निफ्टी यूज़ करूँ तो 200-300 पॉइंट बैंक निफ्टी में मिल जाए, और क्या चाहिए। और इसके बेस पे ऑप्शंस भी कर सकते हो, बिल्कुल कॉल पुट बाय कर सकते हो, कॉल पुट सेल कर सकते हो, जो करना है कर सकते हो। यस, आप ये मूविंग एवरेज अगर आपके पास ऑप्शंस चार्ट है तो उसमें भी लगा कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, इसको बना लिया। अब ये देखिए, ये इसमें विप्सॉज आ रहे हैं, लेकिन एक चीज जिसका कॉम्बिनेशन अगर मुझे मिल जाता है तो बहुत मज़ा आता है, इसमें 10 में से 2 या 3 बार स्टॉप लॉस हिट होते हैं। ऐसा नहीं इसमें नहीं होते, होते 10 में से 2-3 बार, बट जब रिजल्ट मिलता है, फैसिनेटिंग रिजल्ट मिलता है। ज्योति मैम के सभी वीडियोस और कोर्सेज पे हमारे यूजर्स ने कमाल का फीडबैक दिया है, और हमारे यूजर्स की रिक्वेस्ट पे हमने ज्योति मैम के साथ फिबोनाची पे एक नया कोर्स लॉन्च किया है। इसमें हमने फिबोनाची के बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सब कुछ कवर किया है। हम ये इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि ज्योति मैम खुद फिबोनाची इंडिकेटर 10 से भी ज्यादा साल से यूज कर रही हैं, तो उनकी पकड़ फिबोनाची को लेकर अनपैरेलल्ड है। ये कोर्स अभी लॉन्च ऑफर में चल रहा है, तो आप जल्दी से जाके बाय कर सकते हैं। सो हरी अप बिफोर इट एक्सपायर्स। तो लेट अस से हमने ये इसके ऊपर गया, बाय किया, उसके बाद RSI भी 70 के ऊपर चला गया, मतलब मूविंग एवरेज तो ऊपर जा ही रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है, RSI भी 70 के ऊपर आ गया। अब ऐसी सिचुएशन में हम इसे होल्ड करेंगे, और सबसे बड़ी बात आती है टारगेट्स। तो हम क्या करते हैं,
कि पीछे का स्विंग हाई का टारगेट लेंगे। तो जो भी हमारे पास स्विंग हाई है हम वहाँ से इसको बनाकर रखेंगे और प्राइस का टारगेट जब इसको क्रॉस कर जाएगा तो हम दूसरा स्विंग हाई लेंगे। देखिए एग्जैक्ट, कभी कभी बिल्कुल परफेक्ट स्विंग हाइज मिलते हैं, और अगर इनका कॉम्बिनेशन ना बैठे टारगेट पे तो एक्सटेंशन, रिट्रेसमेंट ये यूज़ कर सकते हैं हम। तो इस तरह से यहाँ पर हम करके प्रॉफिट्स बुक करके होल्ड करिए, मैंने शॉर्ट करने के लिए नहीं कहा है। और फिर जब वापस नीचे आता है और अगर ये 30 के नीचे आ जाता है मूविंग एवरेज, देन सी अब फिर से मुझे टारगेट्स चाहिए। तो ये रहे टारगेट्स, ये स्विंग लो यहाँ पे इसके पास आया, फिर उसके बाद यहाँ पे आया राइट। तो इस तरह से जब ये सेकेंड टाइम इसको यहाँ टच कर लेगा, अब मैं इसे होल्ड नहीं करूँगी एंड आई विल एग्जिट एंड वेट, अदरवाइज मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, जैसे अभी इसके नीचे आ गया तो इसके ऊपर मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा फाइनल मूविंग एवरेज के ऊपर। यहाँ से अगर ये घूम जाता है तो मूविंग एवरेज के ऊपर मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। स्टॉप लॉस पहले डिफाइंड होता है, टारगेट बाद में डिफाइन होता है। अब यहाँ से ये ऊपर गया और फिर नीचे आया, तो सबसे पहला काम मैं ये सारे डिलीट कर देती हूँ। यहाँ पे SL हिट हो जाता है, फिर ये वाला भी SL हिट हो जाता है, तो क्या करना है, वेट करना है। अब ऐसी सिचुएशन में उसके बाद ट्रेड, फिर जब इसके हिट हो गया ना SL, अब मैं नया जो ट्रेड लूँगी ना उसमें मुझे डबल कंफर्मेशन चाहिए। जैसे प्राइस इसके नीचे है तो RSI भी 30 के नीचे जब आएगी तो करूँगी, अभी यहाँ पे नहीं आ रही ठीक से और आ भी रही है तो प्राइस तब तक नीचे आया फिर ऊपर चला गया, तो वेट करूँगी और जब ये प्रॉपरली 30 के नीचे आएगा तो मैं यहाँ पर हिट करूँगी। अब यहाँ पे अगर मैं हिट करती हूँ तो वापस मेरा टारगेट इसी तरह से बनाऊँगी। तो टारगेट के लिए हम क्या करेंगे, हम एज अ ट्रेडर ये हमारा हाई पॉइंट हो गया, दिख रहा है छोटा सा, जो मूविंग एवरेज के ऊपर है और दूसरा मूविंग एवरेज के नीचे है लो पॉइंट, और फिर वापस ये मूविंग एवरेज के ऊपर चला गया राइट। तो इसे हम एक्सटेंशन बनाएंगे और ये जब प्राइस इसके नीचे आएगा वेट, इसके ऊपर आते ही कट राइट। नाउ अब अगर मैं ट्रेड यहाँ पे लेती हूँ तो ये डिफरेंस कम है, यहाँ पर लेती हूँ तो भी डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं मिल रहा है मुझे फर्स्ट टारगेट के लिए। लेट अस वेट एंड वॉच क्या होता है ओके। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, आगे चलेंगे और प्राइस क्या किया है, ऊपर आ गया, ऊपर आने के बाद यहाँ आया और फिर इमीडिएटली SL दे दिया। ये पहली कैंडल है 9 बजे की, ये दूसरी कैंडल है 10 बजे की, हिट हो गया स्टॉप लॉस। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है तो वो दिन ट्रेड नहीं होगा। नेक्स्ट डे इसके ऊपर ही खुला, ट्रेड ले सकते हैं और चलते रहें। यहाँ पर हमें टारगेट्स मिल कर रहे हैं, अब हम रेजिस्टेंस के ढूंढेंगे क्योंकि हमें टारगेट्स चाहिए। ये देखिए 1-2 ले और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ये हमारा रहेगा। जैसे ही इसके नीचे आया, अब गैप डाउन हो गया ओपन और इसके नीचे प्राइस खुला, इसको टच किया तो एग्ज़िट तो हमको आराम से मिल गई है, कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं हुआ है बिकॉज हमने काफ़ी प्रॉफिट्स यहाँ पे बुक कर ली थी और होल्ड कर रहे हैं। अब आगे जाते हैं राइट, ये SL हिट हो गया, मैंने ट्रेड किया, यहाँ पे आए, चलो ये भी SL हिट हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, श्योरिटी चाहिए या थोड़ा सा कंफर्मेशन चाहिए। तो प्राइस EMA के ऊपर होना चाहिए और उसके साथ साथ RSI अबाव 70 जाएगा तब हम ट्रेड लेंगे। तो यहाँ पर प्राइस EMA के ऊपर और RSI भी 70 के ऊपर। सबसे पहले मैं ये सब रेजिस्टेंस हटा देती हूँ और
अब इसके ऊपर चल रहा है यहाँ पर हमें अभी, जैसे मैंने कहा था, मुझे एटलीस्ट 2 कन्फर्मेशंस तो चाहिए ही, तो RSI अबाव 70 विथ EMA प्राइस जो है EMA के ऊपर हो, फिर पहला टारगेट, दूसरा टारगेट बना लेते हैं, चलिए बना लिया दूसरा टारगेट, फिर तीसरा टारगेट, इस तरह से अब यही जो है हमारे स्टॉप लॉसेस का काम करेंगे। अब यहाँ पर आकर मुझे पुराना नहीं मिल रहा है तो मुझे नया रेंज के लिए क्या करना होगा, बिल्कुल सही, आप एक्सटेंशन बना लीजिए। तो हम क्या करेंगे, एक्सटेंशन बनाएंगे। तो लेटेस्ट से हमने ये लो पॉइंट लिया, ये हाई और फिर ये लो, तो अब ये क्या हो गया, हमारा एक्सटेंशन का टारगेट हो गया। हम इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखेंगे, इसके ऊपर जाएगा तो उस हिसाब से चलेंगे, जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे हम भी जाते जाएंगे, और जैसे ही यहाँ पर ही हमारा एक तरह से ट्रेलिंग SL हिट हो गया, मैं आगे नहीं जाऊँगी क्योंकि यहीं पे मेरा ट्रेलिंग SL हिट हो गया। अब मैं अगर इसे बाय करती हूँ और ये रेंज मुझे ज़्यादा बड़ा नहीं लग रहा है तो मैं अभी एक बार ट्रेड इसमें स्टॉप कर दूँगी, जब तक मुझे फिर से कहीं कोई डबल कन्फर्मेशन नहीं मिलेगा। और ये डबल कन्फर्मेशन मुझे मिला, कब मिला, अगर आप देखेंगे तो ये डबल कन्फर्मेशन मुझे यहाँ पे मिला। अब ऐसा है फ्रेंड्स कि जब यहाँ पे कन्फर्मेशन मिलता है इतना गैप डाउन पे और मार्केट नीचे खुल के ऊपर जा रही होती है ना, फ्रैंकली स्पीकिंग हिम्मत नहीं होती, भले कन्फर्मेशन डबल हो या ट्रिपल हो या 4 गुना हो, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो हम उसको रीटेस्ट करने का मौका देते हैं। और ये जो रीटेस्ट करता है और फिर यहाँ से जो नीचे आता है, हम उसके हिसाब से चलते हैं। तो पुराने लेवल्स में फिर से डिलीट कर देती हूँ और ये रहा इस तरह से, ये गैप डाउन हो गया और गैप डाउन होके ऊपर हो गया। मैं आपसे कहूँ 90% या 99% चांस ये है कि जैसे ही ये गैप डाउन ओपन होके ऊपर जाने लगेगा, हम सब अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर लेंगे। 3:30 बजे के बाद तो हम कुछ भी बोल सकते हैं, बट जब हम रियल मार्केट में बैठते हैं तो हम यही करेंगे कि मोस्टली तो हम पोजीशन ही घर नहीं लेके जाएंगे, जो प्रॉफिट आ रहा होगा हम उसे बुक करके जाएंगे। अगर नहीं भी किया और मार्केट गैप डाउन हो गया तो हम जैसे ही वो ऊपर जाने लगेगा, हम मारे डर के उसको फट से कट कर लेंगे कि कहीं हमारा प्रॉफिट ना चला जाए, हम उसे कंप्लीट वेट नहीं करते। अगर मान लो वेट कर लिया और ये ऊपर आ गया, जो कि पॉसिबल नहीं है, फिर भी कर लिया और नीचे आ गया, तो अब यही मेरा लेवल हो जाएगा और उसके बाद इसके नीचे फिर से ट्रेड लेंगे, अदरवाइज़ यहाँ पे हम स्क्वायर ऑफ कर देंगे। अब वापस ऊपर, फिर हम भी ऊपर, यहाँ पे क्या करना है, मुझे रेजिस्टेंस लेवल्स बनाते रहना है, फिर इसके नीचे जैसे ही आया आउट, अब यहाँ पे फिर SL हिट हो गया। अब ये जो SL हिट हो गया उसके बाद अप डाउन फिर से यहीं पे बंद हुआ है, ये जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ ये लेटेस्ट पोजीशन है, आप देख सकते हो, इट्स 9 February। मंडे को अगर मैं इसे काम करूँगी तो मुझे क्या चाहिए, मुझे डबल कन्फर्मेशन चाहिए, मतलब प्राइस EMA के ऊपर जाता है तो साथ में मुझे RSI 70 के ऊपर चाहिए, और अगर ये नीचे रहता है तो RSI 30 के नीचे चाहिए। जब तक वो नहीं होगा मैं ट्रेड नहीं लूँगी। क्या होगा, 1-2 दिन ट्रेड नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैंने क्या कहा, कभी भी मेरे कोई भी चार्ट्स आप देखना चाहें तो यहाँ पे टाइम फ्रेम मेंशन रहता है, तो ज़रा टाइम फ्रेम पे नज़र डाल के देखिएगा, आपको सब दिख जाएगा। मैं बहुत छोटे टाइम फ्रेम में हार्डली कभी जाती हूँ, मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं हायर टाइम फ्रेम्स में ही करूँ। और फ्रेंड्स, मैंने देखा है कि कोई भी चीज़ हायर टाइम फ्रेम में ज़्यादा अच्छा काम करती है। तो ये फिब के ऊपर मैंने 2 वीडियोस बना दिए, अब आपको और वीडियोस चाहिए तो मुझे बताइएगा। प्लस अगर आप इसे लाइक करेंगे
तो डेफिनेटली फिब यहीं तो ख़त्म नहीं हो जाता, इसके और भी तो टॉपिक्स बन सकते हैं। अब ये आपकी लाइक्स बताएगी मुझे कि मुझे इस पर और टॉपिक्स बनाने हैं या नहीं। मुझे यही चाहिए, कितने लोगों को ये समझ में आ रहा है, कितने लोगों को पसंद आएगा, तभी ना वो टॉपिक पे मैं भी मेहनत करूँगी। तो कमेंट करिए कौन सा टॉपिक आपको और सीखना है, और लाइक करिए तो मैं इसका एडवांस वर्जन ज़रूर लेके आऊँगी। धन्यवाद।